हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव, स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। तो भाई आज हम लेके आए हैं पोलो GT TDI। तो ये देख लो भाई, ये बहुत फेमस कार है, बहुत फेमस आदमी की है ये कार है भाई, GHG ऑटोमोबाइल ब्लॉग से जितेश भाई की। तो भाई तो अभी हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, अभी वो थोड़ा बिजी हैं। तो उनकी कार तो है यहाँ पे, तो एक बार वॉक अराउंड देख लो आप कार का, फिर स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो भाई आगे इसके फ्रंट में, बीच में आप देख रहे हो वोल्क्सवैगन का बड़ा सा लोगो दिख जाएगा यहाँ पे बीच में, उसी के साइड में आपको GT की बैजिंग दिख जाएगी ये रही। तो भाई ये कार में ऊपर से कम 2.5-3 लाख रुपए लग चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपडेट करा रखी है कार। नीचे की तरफ इसमें स्प्लिटर भी है, यहाँ पे देख लो ये पूरा उस तरफ जाता है, सिंगल पीस है, कोई ये 3 पीस वाला नहीं है। उसके नीचे यहाँ पे आपको ग्रिल दिख जाएगी, और ये रही इसकी यहाँ पे फॉग लैम्प वगैरह सब कुछ। तो एक बार आपको भाई गाड़ी की लाइट्स दिखाएं चला के। तो ये देखो ऑडी स्टाइल लाइट्स हैं, इनका कलर भी चेंज हो जाता है, वो मैं क्लिप ऐड कर दूंगा लास्ट में। ये देखो कितनी सही लग रही है, ये देखो। तो स्टार्ट करते हैं, अब इसके लाइटों से ही शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पूरी एक LED दिख जाएगी बड़ी सी, और यहाँ पे एक प्रोजेक्टर, ये लाइट चेंज वाला प्रोजेक्टर है, और इसकी लाइट्स बहुत सारे कलर की चेंज हो जाती हैं फ़ोन से, वो हम आपको लास्ट में मैं दिखा दूंगा वीडियो में, एक छोटी सी क्लिप ऐड कर दूंगा। दूसरी साइड चलते हैं इसके एलोए की तरफ। तो इस जो इसके एलोए हैं भाई, वो हैं 215/45R17। तो इसके टायर्स की कहानी बहुत अलग है, टायर बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, ये इसलिए अपडेटेड है, इसका जो इंजन है वो फर्स्ट स्टेज मैप हो रखा है। तो इस गाड़ी का पिकअप जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इंस्टेंट पिकअप हो गया, बहुत मतलब पिकअप के मामले में तो ये कार बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुकी है। इसलिए इसके टायर्स की ग्रिप वगैरह सब कुछ चाहिए था। इसके ब्रेक्स भी अपडेटेड हैं, ब्रेक भी इसमें अलग हैं थोड़े, टायर वैसे चौड़े कम हैं पर वैसे बड़े हैं, देख लो एक बार आप। अब थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ORVM पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ORVM यहाँ पे ब्लैक है, इसमें बहुत सारा काम आफ्टर मार्केट हो रखा है, ये रहा इंडिकेटर। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोई भी मतलब क्रोम हैंडल वगैरह नहीं मिलता, वो सब नॉर्मल है, ये देखो। और यहाँ पे आपको कोई भी मतलब वाइज़र वगैरह, रेन वाइज़र वगैरह नहीं मिलता, क्रोम का काम आपको बहुत कम मिलेगा इस कार में। ये कार वैसे ज़्यादा चलती है रेसिंग में नहीं, मतलब रनिंग वगैरह इसकी नॉर्मल है, पर बहुत सही कार है भाई ये। पीछे की तरफ आएँ तो पीछे भी बहुत चेंजेस हैं इसमें। तो पहले तो आपको लाइट सी चेंज दिख रही होंगी, मर्सिडीज स्टाइल लाइट है। डोर कार का ऐसा मिल जाता है भाई पीछे वाला, इस पर भी देख लो सारा काम, एक बार जला के भी दिखा देंगे इन्हें। चलते हैं फ्रंट में, तो ऐसी कुछ कार की मिल जाती है भाई फ्लिप की, ये देखो इसको ऐसे करते हैं, डोर दिखाएं अगर हम आपको, तो दरवाज़ा इसका नॉर्मल है जैसा नॉर्मल कार्स का रहता है, यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे सारे, यहाँ पे लॉक अनलॉक सारे दरवाजों के यहीं से, यहाँ पे पावर विंडो अप डाउन का सारा। बैठते हैं भाई इसके अंदर, तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखो ज़रा। तो भाई पूरी वाइब्रेशन देती है कार, इतनी पावर है इसमें, ये देखो ये लाइट ऑन हो गई यहाँ पे। इसमें आपको टैकोमीटर मिल जाता है 6000 तक मार्किंग के साथ, स्पीडोमीटर मिल जाता है 240 तक मार्किंग के साथ, और ये कार भाई 200 छू देगी आराम से, और छू भी रखी है इसने। तो इसका अगर हम कंसोल बदल के दिखाएं थोड़ा, तो बीच में आपको फ्यूल एफिशिएंसी दिख जाती है, ये ट्रिप वगैरह दिख जाएगी, ये भी ट्रिप है AB, ये टोटल किलोमीटर जितने रन करें हैं कार ने, ये फिर से ये सब आ गया, और यहाँ से बाकी टाइम वगैरह आप छेड़ सकते हो इसका। थोड़ा सा एक्सेलेरेट करें कार को, तो भाई कार पूरी वाइब्रेट हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल इंजन हो गया है 1.5 TDI। तो एक बार कार को करते हैं बंद, इधर दिखाएं तो यहाँ पे आपको वोल्क्सवैगन का लोगो दिख जाएगा काफ़ी बड़ा सा, और इस साइड आपको कंट्रोल दिख जाएंगे बाकी के वॉल्यूम वगैरह के, इस साइड आपको कॉल कट पिक करने का दिख जाएगा। इसमें सारा उल्टा सिस्टम रहता है, तो इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे, रियर वाइपर भी आता है इसमें, और इस साइड मिलेंगे आपको क्रूज कंट्रोल और लाइट से, लाइट यहाँ पे डिपर मार सकते हो, बाकी लाइट इधर से ऑन होती है इसकी, देखो यहाँ से इससे ऑन हो गई, ऊपर खींचोगे तो फॉग लैम्प भी ऑन हो गई,
तो और यहाँ से आप लाइट को एडजस्ट भी कर सकते हो। एक बार बोनट खोल के दिखाऊंगा, असली चीज़ इसकी बोनट के अंदर है। तो यहाँ पे आपको ऐसे एसी वेंट्स मिलते हैं जो ठीक हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एसी बहुत अच्छा है कार का। ये भी हाइड्रोलिक डिप्ड है, ये सारे यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, बस ऐसे ही बटन है। ये है कंट्रोल यहाँ पे डबल इंडिकेटर का, इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको स्टीरियो मिल जाएगा इसका, जो काफ़ी बड़ा सा है, मतलब स्क्रीन छोटी है वैसे बड़ा है। इसमें ब्लूटूथ वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये रहा इसका गियर, जिसका रिवर्स गियर दबा के लगता है ऐसे। और गाड़ी में टोटल 5 गियर आते हैं, देख लो एक बार ऐसे गुजर। यहाँ पे आपको इसका आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कोई स्टोरेज वाला है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दिख जाएगा, ये कोई नॉर्मल है, हिला विला के साइड में करके नहीं होता है। ये हो गया इसका यहाँ आर्मरेस्ट, जो ज़्यादा स्पेस वाला नहीं है पर है अच्छा है। इस तरफ देख लो तो अच्छा लुक आ रहा है कार का, सीट्स काफ़ी अच्छी हैं इसकी। यहाँ से इसका खोलेंगे डैशबोर्ड तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, डैशबोर्ड के अंदर भी एक लाइट है। इधर वैनिटी मिरर दिया गया जिस पे कोई लाइट नहीं है, यहाँ एलईडी है, ये बाहर से लगवा रखी है। इस साइड कोई वैनिटी मिरर नहीं है, देख लो। एक बार बोनेट खोल के और दिखाते हैं, कार को करते हैं स्टार्ट। भाई बोनेट खोल लो। तो भाई आ गए हैं गाड़ी के फ्रंट में, एक बार देख लो आप, इसके इंडिकेटर मैट्रिक्स वाले हैं, ये देखो। और ये है भाई इसका 1.5 लीटर का इंजन, देख रहे हो ये कितनी तगड़ी चीज लग रही है भाई, ये बहुत सही लग रहा है दिखने में। बोनट खुलते ही कार का लुक बना देता है। एक बार अब कार को स्टार्ट करेंगे, देखो भाई ये है ये कार की असली आवाज़। बहुत पावरफुल इंजन है भाई, बहुत पावरफुल। तो बोनट कर देते हैं बंद, उधर देखो इंडिकेटर कितने अच्छे लग रहे हैं, बोनट करते हैं बंद। तो भाई ऐसी कुछ थी इसके इंजन की आवाज़ जो अभी आपको सुना दी है। रेड में भाई, इन रोडा पे चलाने की ना है, मजाक तट के चलाने की ना है। लो आप चलाओ, मैं बोलो कम चलाऊं।